brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के सामने बीजेपी ने बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने मां को टिकट दिया तो बेटे को बेटिकट कर दिया, जिसे बहुत बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण गांधी को राजनीति में एक बड़ा कद देने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कम उम्र में ही लगातार 3 बार सांसद और भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तक का सफर वरुण गांधी ने तय कर लिया था, लेकिन वरुण गांधी उस शिखर पर अपने पैर ठीक से टिका नहीं पाए। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपनी कामयाबी को ज्यादा दिनों तक सहेज कर नहीं रख पाए, जिसका खामियाजा आज उनके सामने है। ऐसी स्थिति में अब मेनका गांधी को तय करना है कि वो सिर्फ मां के पक्ष को चुनती हैं या फिर खुद को विशुद्ध नेता साबित करती हैं। हालांकि मेनका गांधी को परिस्थितियों से लड़ना बखूबी आता है, पारिवारिक जीवन हो या फिर सियासी संघर्ष, दोनों में ही उन्होंने अपने संघर्ष के जरिए अपने आत्मबल को दिखाया भी है। अगर खुद का टिकट कटता और बेटे को मिलता तब भी वो धर्म संकट में नहीं पड़ती। बेटे का टिकट कट जाने के बाद वो अपना टिकट रिपीट होने की खुशी तक नहीं मना पा रही हैं। अब तक उन्होंने टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार तक नहीं जताया है, जैसा कि परंपरागत रूप से प्रत्याशी करते रहे हैं। फिलहाल माँ और बेटे काफी समय से खामोश चल रहे हैं। मेनका के सुल्तानपुर से टिकट मिलने और पीलीभीत से वरुण के टिकट कटने के बाद भी अभी तक दोनों में से किसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता की तरफ से उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर देने की बात पर भी दोनों खामोश हैं। हालांकि मेनका गांधी ने भी सुल्तानपुर को लेकर भले कोई जानकारी साझा न की हो, लेकिन उनके प्रतिनिधि ने फोन पर यूपी तक को बताया कि वो 1 अप्रैल को सुल्तानपुर पहुंचकर अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर सकती हैं। अब इंतजार मेनका और वरुण के अगले कदम का है। सियासी जानकारों की माने तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पीलीभीत में आज ही नामांकन की आखिरी तारीख है। अब देखना होगा कि मेनका गांधी और वरुण गांधी आज क्या करते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।